गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 6 इन ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 6 है मेजर क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। टुडे एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द वर्ल्ड। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन द डिमांड फॉर फूड एंड अदर नेसेसिटी ऑफ लाइफ हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। एज मच मैनी काइंड ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन द वर्ल्ड टू मीट द ह्यूमन नीड्स। द क्रॉप ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटीरियल फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। आजकल जो है एग्रीकल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड में ऑक्यूपेशन है। हाफ वर्ल्ड की हाफ से भी अधिक पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है या एग्रीकल्चर में ही व्यस्त है। इन पॉपुलेशन की जब पॉपुलेशन के बढ़ने से जो डिमांड है फूड और अदर लाइफ के लिए ज़रूरी चीज़ों की वो भी बढ़ रही है। इस तरह इसी वजह से जो क्रॉप ग्रोन है वर्ल्ड में जो फसल को उगाने का उगाना है वो वर्ल्ड में ह्यूमन नीड्स उसकी मांग बढ़ रही है, इसलिए एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो रहा है और क्रॉप्स जो है वो आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेरल्स, ऑयल सीड, पल्सेस, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल फाइबर एंड ब्रेवेज। मैनी ऑफ दीज आर फ्रूट क्रॉप्स रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन कंपनसेशन, वाइल अदर मे बी कैश क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप दैट आर प्रोसेस्ड एंड ट्रेड। क्रॉप जो है वो निम्न क्लासिफाइड करी जाती हैं, सेरल्स, ऑयल सीड, पल्सेस, स्पाइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल फाइबर्स और ब्रेवेज में। इसमें बहुत सी जो फूड होती हैं वो ह्यूमन कंपनसेशन के लिए होती हैं। इसके अलावा कुछ क्रॉप जो होती हैं वो कैश क्रॉप होती हैं और कुछ कमर्शियल क्रॉप होती हैं जो कि व्यापार के लिए भी होती हैं। कैश क्रॉप। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर बिजनेस पर्पस। दे आर ग्रोन टू बी सोल्ड एंड और एक्सपोर्ट। दे अर्न रेडी कैश फॉर द फार्मर, हैंस दे आर कॉल्ड कैश क्रॉप। कैश क्रॉप वो होती हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए उगाई जाती हैं। इसे बेचा जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है जिससे कि फार्मर को एकदम कैश मिल जाता है, इसलिए इसे कैश क्रॉप कहा जाता है। फूड क्रॉप। वाइट राइस, माइस, पल्सेस, ऑयल सीड, स्पाइसेस, ब्रेवेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ऑल इंक्लूड अंडर फूड क्रॉप्स। द चीफ फूड क्रॉप्स ऑफ एन एरिया इज नोन एज द स्टेपल क्रॉप। वाइट माइस, वीट, माइस, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड, स्पाइस या ब्रेवेज, फ्रूट्स और वेजिटेबल, इनको फूड क्रॉप्स कहते हैं क्योंकि ये खाने में यूज़ होती हैं और जो भी किसी एरिया की चीफ फूड क्रॉप होती हैं वो स्टेपल क्रॉप यानी कि मूल फसल कहलाती हैं। सबसे पहले हम राइस के बारे में पढ़ेंगे। राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड। इट इज़ द स्टेपल फूड फॉर अबाउट 50% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। द राइस हस्क एंड ब्रान आर यूज एज फूडर। इट इज़ ग्रोन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड पैडी ट्रांसप्लांटेशन। इन दिस मैथड सीडलिंग दैट आर ग्रोन इन seed beds and transferred into the field soaked with plenty of water. जो राइस है यानी कि चावल, ये हमारे वर्ल्ड की बहुत
ही मोस्ट फूड क्रॉप है, और 50% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ये उसकी उसका मूल भोजन है। राइस का जो हस्क और ब्रान होता है वो भी एज ए फूडर काम आता है, और जिस प्रोसेस से ये उगाई जाती है उसे कहते हैं पैडी ट्रांसप्लांटेशन। इस मेथड में जो सीडलिंग होती है ये जो इसे किसी और खेत में बोया जाता है घना घना, और जब इसको उसके बाद ये जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि पानी भरे हुए जिसमें बहुत अधिक पानी हो सोख सकता हो उस प्लॉट में बोया जाता है, दूर दूर इनको इस तरह ट्रांसफर किया जाता है। फेवरेबल कंडीशन फॉर कल्टीवेशन, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर मिनिमम 20 से 27 डिग्री तक होना चाहिए ग्रोइंग सीजन में। रेनफॉल यानी बारिश ओवर 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल चाहिए। सॉयल क्लेली सॉयल, लोम एंड एल्युवियल सॉयल चाहिए। लैंड प्लेन्स स्पेशली डेल्टा एंड फूड प्लेन्स एंड हिली एरियाज होना चाहिए। लेबर यानी श्रमिक, राइस इज ए लेबर इंटेंसिव क्रॉप, सोइंग ट्रांसप्लांटिंग वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग आर ऑल डन बाय हैंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पेडी ट्रांसप्लांटेशन होता है, इसलिए इसमें बहुत अधिक लेबर चाहिए होती है, इसको बोने के लिए, ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए, वेडिंग के लिए, हार्वेस्टिंग यानी कटाई के लिए, ये सारा काम हाथों से किया जाता है, इसलिए इसमें लेबर बहुत अधिक चाहिए। एरिया ऑफ प्रोडक्शन, किस किस जगह इसका प्रोडक्शन होता है, चाइना, इंडिया, जापान, बांग्लादेश, इजिप्ट, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इटली, ब्राज़ील, तुर्की, स्पेन, फ्रांस, यूएसए एंड द अदर कोस्ट ऑफ गुआनिया, इन जगहों पर राइस का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका वीट। वीट इज द स्टेपल डाइट ऑफ ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इन द टेम्परेट लैंड्स। जो वीट मीन्स गेहूं, ये एक मूल डाइट है एक बहुत वर्ल्ड के बहुत बड़े हिस्से की, स्पेशली टेम्परेट लैंड में। मोस्ट ऑफ द वीट प्रोड्यूस्ड इन ग्रोन अंडर एक्सटेंसिव कमर्शियल गेन फार्मिंग। जो वीट है वो प्रोड्यूस किया जाता है एक्सटेंसिव कमर्शियल गेन फार्मिंग के अंतर्गत। इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर जो है 10 डिग्री एट द टाइम ऑफ सोइंग, यानी कि इसको बोते समय 10 डिग्री टेम्परेचर, एंड 15 से 20 एट द टाइम ऑफ राइपिंग यानी पकने के लिए 15 से 20 डिग्री इसका टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ रेनफॉल 40 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर, बट नॉट मोर देन 100 सेंटीमीटर। 40 से 70 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए रेनफॉल, 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सॉयल जो है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉयल होनी चाहिए, स्पेशली द ब्राउन प्रेरीज एंड चेयरमनोइज विच आर रिच इन ह्यूमस। इसके लिए बहुत अधिक ह्यूमस से रिच जो सॉइल होती है वो चाहिए। लैंड अनडल्टिंग प्लेन्स अलाउइंग ड्रेन ऑफ सॉइल, लहरदार प्लेन्स मैदान होने चाहिए जिसमें कि मिट्टी में जल की निकासी हो सके, ऐसी लैंड चाहिए। लेबर मैनुअल लेबर मोस्टली नीडेड इन ट्रॉपिकल लैंड्स, इसमें मैनुअल लेबर ही चाहिए जैसा कि ट्रॉपिकल लैंड्स में चाहिए होती हैं। एरिया ऑफ प्रोडक्शन यूएसए, ये यूएसए में कनाडा, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इटली, स्पेन, मैक्सिको, चिली, पाकिस्तान एंड इंडिया, ये यहाँ पर ये इसके एरिया ऑफ प्रोडक्शन है। नेक्स्ट है आपका माइस यानी कि मक्का। इट ऑरिजिनेट इन सेंट्रल अमेरिका। माइस और क्रॉन इज एन इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स टू। सर्वल वेराइटी ऑफ माइस आर ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो माइस है वो सेंट्रल अमेरिका में ओरिजिनेट होता है। माइस और या कॉर्न भी बोलते हैं इसको। ये एक इम्पॉर्टेंट फूड है ह्यूमन और एनिमल्स के लिए।
बहुत सी वैरायटी का जो माइज है वो पूरे वर्ल्ड में ग्रो होता है। इसके लिए क्या कंडीशंस चाहिए? सॉइल जो है लोमी ऑलिवल ब्लैक एंड इवन लैटराइट सॉइल चाहिए, लैंड प्लेन यानी कि मैदानी एरिया चाहिए, लेबर चीप, एबिडेंट लेबर इज ए मस्ट, चीप यानी सस्ती और प्रचुर मात्रा में लेबर चाहिए। एरिया ऑफ प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर उगता है? देखिए क्यूबा, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ताइवान एंड पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, ये इन जगहों पर पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका माइलेट्स। कोरस एंड पुअर क्वालिटी गेम लाइक ज्वार, बाजरा एंड रागी आर कलेक्टिवली नोन एज माइलेट्स। जो मोटा और पुअर क्वालिटी का ग्रेन होता है जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी, इसे कलेक्टिवली जो है हम माइलेट्स बोलते हैं। एज कंपेयर टू अदर क्रॉप्स दे हैव लो न्यूट्रिशन वैल्यू। माइलेट्स आर यूज एज फूडर एंड और मेकिंग बियर एंड विस्की। और जो अदर क्रॉप्स होती हैं जैसे हमने पढ़ा राइस, व्हीट एंड माइस, इसके तुलना में जो माइलेट्स होते हैं इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, लेकिन जो है माइलेट्स का यूज़ एज ए फूडर और बियर विस्की बनाने में भी किया जाता है। चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, इजिप्ट एक्सेट्रा आर द मेन माइलेट प्रोड्यूसिंग कंट्री। इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, नाइजीरिया जो है ये माइलेट प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। इन द यूएसए माइलेट्स आर ग्रोन एज फूडर। यूएसए में माइलेट्स को एक फूडर के रूप में ग्रो किया जाता है। माइलेट्स आर ग्रोन इन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल एंड लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। दे आर ग्रोन इन सेमी एरिड पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। माइलेट्स जो है वो हाई टेम्परेचर एरिया में, लो रेनफॉल और कम फर्टाइल और सैंडी सॉइल में उगता है। इसके लिए सेमी एरिड पार्ट और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र होना चाहिए। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप्स आर फील्ड क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर देयर फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर यूज टू मेक क्लोथ, पेपर, रोप एक्सेट्रा। टू मेन फाइबर क्रॉप्स आर कॉटन एंड जूट। फाइबर क्रॉप्स जो होती हैं वे फाइबर के लिए ग्रो की जाती हैं। इनसे जो है कपड़ा, पेपर, रस्सी आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ हम दो मेन फाइबर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉटन और जूट। सबसे पहले है आपका कॉटन। कॉटन इज़ ए फाइबर क्रॉप विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप। कॉटन इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द क्वालिटी ऑफ रॉ कॉटन डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द फाइबर, इट्स शाइनिंग सरफेस, सॉफ्टनेस, फाइननेस, कलर्स, स्ट्रेंथ एंड क्लियरनेस। इट इज यूजली ग्रोन एज एन एनुअल क्रॉप। जो कॉटन है वो एक फाइबर क्रॉप्स है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप भी है। ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल है और इसकी जो रॉ कॉटन होता है वो डिपेंड करता है उस लेंथ ऑफ फाइबर पे, उसकी शाइनिंग, सॉफ्टनेस, फाइननेस, कलर, स्ट्रेंथ और क्लियरनेस पर। और ये जो है ये एक एनुअल क्रॉप है यानी वर्ष में एक बार उगाई जाती है। कॉटन प्लांट को क्या क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। एबिडेंट सनशाइन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइपिंग ऑफ कॉटन बॉल्स। प्रचुर मात्रा में सनशाइन चाहिए जबकि कॉटन बॉल्स पक रही हूँ। मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। और ब्लैक सॉइल चाहिए विच इज़ पार्टिकुलरली सूटेड फॉर कॉटन कल्टिवेशन। ब्लैक सॉइल जो होता है वो कॉटन कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। द यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, इजिप्ट, सूडान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड मैक्सिमो जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री है जहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस होता है। कॉटन इज मोस्टली ग्रोन ऑन
द स्मॉल फार्म्स हैंस नॉट टू मैनी मशीन्स आर यूज्ड. ये छोटे स्मॉल फार्म्स में भी उगाया जा सकता है, इसके लिए ज़्यादा मशीनों की आवश्यकता नहीं होती. इन इंडिया कॉटन वॉज कल्टिवेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द इंडूज वैली सिविलाइजेशन. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूशन ऑफ कॉटन टूडे. द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर महाराष्ट्र, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश. मोस्ट ऑफ द कॉटन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज द शॉर्ट और मीडियम स्टैपल काइंड. द लॉन्ग स्टैपल वेराइटी इज नोन नाउ ग्रोन इन पार्ट ऑफ द हरियाणा एंड पंजाब. कॉटन जो है वो इंडिया में इंदू वैली सिविलाइजेशन से कल्टिवेटेड यानी उगाया जाता है. इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का वर्ल्ड में. और इस हमारे यहाँ जो कॉटन है वो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश. जो अधिकतर कॉटन जो प्रोड्यूस होता है वो शॉर्ट और मीडियम स्टैपल काइंड का होता है. अब जो है लॉन्ग स्टैपल वैरायटी का जो हमारे यहाँ अब ग्रो हो रहा है कॉटन, वो हरियाणा और पंजाब में होता है. नेक्स्ट है जूट. जूट इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स. इट इज़ यूज टू मेक यूनिसैक कारपेट मैट एंड बैग्स एक्सेट्रा. जूट इज़ द यूजली सोन इन मार्च एंड अप्रैल एंड हार्वेस्टेड इन अगस्त एंड और सितंबर. एब्यूडेंट लेबर इज रिक्वायर्ड इन जूट प्रोडक्शन. हैंस इट इज ग्रोन इन डेंसली पॉपुलेटेड ट्रॉपिकल रीजन. जूट जो है एक इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है. इसका यूज बोरे बनाने में, कारपेट मैट बैग बनाने में किया जाता है. जूट जो है वो मार्च या अप्रैल में बोया जाता है और जो इसकी कटाई होती है वो अगस्त या सितंबर में की जाती है. प्रचुर मात्रा में इसमें लेबर की रिक्वायर्ड होती है जूट प्रोडक्शन में, और इसलिए जो है ये जहाँ पर बहुत घनी पॉपुलेशन होती है वहाँ पर ये उगाया जाता है. ए जूट नीड प्लांट नीड. जूट के प्लांट को क्या क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड. एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए 150 से अबव होनी चाहिए. एलिवल फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए. फाउंड इन रिवर डेल्टा एंड फूड फ्लड प्लांट प्लेन्स जहाँ पर डेल्टा हो या बाढ़ क्षेत्र हो. चीप एंड रेडिली अवेलेबल लेबर, सस्ती और आसानी से मिलने वाली लेबर चाहिए. और ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है? देखिए इंडिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, ताइवान, थाईलैंड एंड मलेशिया जो है वो जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं. इन इंडिया भारत में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. इन इंडिया वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट फॉलोड बाय बिहार एंड असम. जूट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्राउन पेपर ऑफ वूल होल सेल ऑफ ट्रेड एज इट इज मोस्टली यूज टू मेक पैकिंग मटीरियल. इंडिया में जो है ये एक इंडिया जो है एक लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में. इंडिया में वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जैसे कि बिहार और असम भी है. जूट जो है गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है. इसको ब्राउन पेपर भी इससे बनाया जाता है, जो कि होलसेल ट्रेड में मोस्टली जो है ये पैकिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है कैश क्रॉप. इसमें है शुगर केन. द चीफ सोर्स ऑफ शुगर अलॉन्ग विद शुगर बीट, शुगर केन इज बोथ ए फूड एंड कैश क्रॉप. जो शुगर केन है यानी कि गन्ना, ये जो इससे जो है चीनी बनाई जाती है शुगर बीट से भी और शुगर केन से भी. ये दोनों ही फूड भी हैं और कैश क्रॉप भी हैं. फेवरेबल कंडीशन इनको क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड. रेनफॉल 70 से 120 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए. ब्रेवेज क्रॉप यानी कि पेय फसल. टी, कॉफ़ी एंड कोका आर कंसिडर्ड ब्रेवेज क्रॉप्स. ऑल आर एक्सक्लूसिवली ग्रोन इन द ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक मोस्टली एज प्लांटेशन क्रॉप.
टी कॉफी कोका जो हैं ये पेय फसलें हैं। ये ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में एरियाज में मोस्टली होती हैं। ये एक प्लांटेशन क्रॉप हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टी। ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ एन एवरग्रीन बुशेस, टी इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रेवरेज वर्ल्ड ओवर। द टी बुश यील्ड लीव्स ओनली इन द थर्ड ईयर। टी जो है यानी कि चाय, ये जो है एवरग्रीन बुशेस यानी झाड़ियाँ होती हैं जिनकी ये पत्तियाँ होती हैं। टी जो है मोस्ट पॉपुलर पेय पदार्थ है पूरे वर्ल्ड में। और टी के जो बुश यानी कि झाड़ी होती है वो 3 साल में अपनी लीव्स प्रदान करती हैं। इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, कंडीशंस हैं, टेम्परेचर चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल चाहिए 100 से 250 सेंटीमीटर, सॉइल चाहिए एसिडिक वेल ड्रेन सॉइल जिसमें कि हाई डिग्री फर्टिलिटी हो, लैंड चाहिए ट्रेस्ड यानी सीढ़ीदार एंड वेल ड्रेन हिली स्लोप। लेबर, इसमें जो श्रम है वो लार्ज स्किल लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड। इसमें जो है बहुत अधिक और कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। एरिया ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन से एरिया में इसका प्रोडक्शन है, तो चाइना, इंडिया, श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश एंड CIS स्टेट एंड सेंट्रल अफ्रीका में ये होती हैं। नेक्स्ट ब्रेवरेज क्रॉप है आपकी कॉफ़ी। द कॉफ़ी ट्री वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड ग्रोइंग काफा इन इथियोपिया। इट इज़ टूडे ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ द ट्रॉपिक एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर ब्रेवरेज। अरेबिका, रॉबस्टा एंड लिब्रिका आर द पॉपुलर वैरायटी ग्रोन इन डिफरेंट एरियाज। कॉफ़ी जो है वो सबसे पहले काफा इन इथियोपिया में डिस्कवर्ड हुई। आजकल ये लार्ज पार्ट ऑफ ट्रॉपिक में उगाई जाती है और ये एक पॉपुलर पेय पदार्थ है। और इनके जो वैरायटी हैं अरेबिका, रोबस्टा एंड लिब्रिका, ये इसकी पॉपुलर वैरायटी है जो कि डिफरेंट एरिया में ग्रोन होती है। फेवरेबल कंडीशन, इसमें टेम्परेचर चाहिए 14 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर, सॉइल चाहिए प्रॉस्पस रिच सॉइल चाहिए यानी झरझरी मिट्टी और इवन वॉल्केनिक सॉयल या ज्वाला वॉल्केनिक सॉयल यानी कि लावा वाली, और लैंड इन लहरदार हाईलैंड चाहिए, इन डॉल्टिंग स्लोप चाहिए या प्लेट्यू आर सूटेड फॉर इट्स कल्टिवेशन। लहरदार हाईलैंड चाहिए, स्लोप या प्लेट्यू भी जो है यहाँ पर भी ये उगाई जाती है। एरिया ऑफ प्रोडक्शन, ये ब्राज़ील, कोलंबिया, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, इक्वाडोर एंड प्यूपा एंड न्यू गुआनिया में प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। इसके बाद एक छोटी सी आपको टेबल है जो आपको खुद ही रीड करनी है। इसमें भी क्रॉप्स और प्रोड्यूसिंग स्टेट और रीजन्स आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट है ए फार्म इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट में जो फार्म्स हैं उसमें कैसे एग्रीकल्चर का काम होता है। ओनली 2 से 3% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिविंगहुड। ए ट्रॉपिकल अमेरिकन फार्मर इंश्योर दैट ऑल एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड अदर मेजर आर इन प्लेस बिफोर अंडरटेकिंग कल्टिवेशन ऑफ द लैंड। इन रीसेंट टाइम द अमेरिकन फार्मर हैव इवन यूज्ड ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर वेरियस कंट्रोल मेजर रादर देन सिंपली मशीनाइजेशन ऑफ द टिलिंग द लैंड, सोइंग द सीड एंड हार्वेस्टिंग द क्रॉप। थस इट इज कैन बी सेड दैट अमेरिकन फार्मर नॉट आर नो लॉन्गर एज पीजेंट बट एन इंटरप्रेनर एंड द बिजनेस मैनेजर। दे मेंटेन प्रॉपर अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो अमेरिका है उसकी 2 से 3% पॉपुलेशन ही केवल एग्रीकल्चर के पर डिपेंड है। ट्रॉपिकल अमेरिकन जो रेन जो फार्मर है वो एग्रीकल्चर में इनपुट और अदर मेजर से पहले कल्टिवेशन ऑफ लैंड को
पहले चूज करता है, उसके बाद जो रीसेंट टाइम है इसमें जो अमेरिकन फार्मर है वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके खेती करता है। सारा काम मशीनों से होता है, जैसे कि टिलिंग द लैंड, मतलब कि खुदाई करना, बीज बोना, कटाई करना इत्यादि। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो अमेरिकन फार्मर है वो एक बड़े समय तक किसान नहीं रहता, बल्कि एक व्यवसायी या बिजनेस मैनेजर होता है। वो अपना जो है एक प्रॉपर अकाउंट भी मेंटेन करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का और इनकम का। ए टाइपिकल एग्रीकल्चर फार्म इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिकन मस्ट बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर पार्टिकल। अब आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसे जो एरोप्लेन के उससे सिंचाई हो रही है। ये एक मशीन है ऑटोमेटिकली जिससे कि सिंचाई हो सकती है बड़े से बड़े क्षेत्र में। लार्ज साइज ऑफ फार्म्स रैंगिंग बिटवीन 100 to 300 हेक्टेयर इन यूएसए फार्मिंग इज डन जनरली लाइक एंड अदर बिजनेस। बहुत बड़े फार्म 100 से 300 हेक्टेयर तक इसमें फार्म हाउस बनाए जाते हैं। और यूएसए में जो फार्मिंग है वो जनरली अदर बिजनेस की तरह ही पसंद की जाती है। फार्मर यूज हाई क्वालिटी सीड इन एग्रीकल्चर। हाई क्वालिटी का फार्मर कृषि में हाई क्वालिटी बीजों का यूज करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग इज डन लाइक एनी अदर टेस्टिंग लेबोरेटरी इन ए मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न। प्लांट ब्रीडिंग का जो काम होता है वो लेबोरेटरी में टेस्ट होकर ही ये लोग करते हैं। बिफोर ग्रोइंग एनी क्रॉप दे इंश्योर दैट सॉयल एंड वाटर रिसोर्सेस मीट द नीड ऑफ द क्रॉप। किसी भी फसल को बोने से पहले ये सॉयल और वाटर रिसोर्सेस की अच्छी तरह जांच कर लेते हैं कि ये प्रॉपर रूप से यहाँ पर है या नहीं। द यूएस फार्मर टेक एडिक्वेट मेजर टू कंट्रोल पेस्ट एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप। जो यूएस फार्मर होता है वो पहले ही जो है पेस्ट एंड अदर स्मॉल जिससे हमारी फसलों को नुकसान पहुँचे इसको पहले ही कंट्रोल करने के लिए दवाइयों का यूज करते हैं। दे ऑल्सो यूज मॉडर्न टेक्निक एंड टूल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू गेट मोर प्रोड्यूस। और वो मॉडर्न टेक्निक और टूल्स का यूज करते हैं जिनसे अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो। कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, टमेटोज, पोटैटोज, ग्रेप, ऑरेंज, राइस, एप्पल्स, शॉर्गम, लेट्यूस, कॉटन सीड्स एंड शुगर बीट्स जो है ये लीडिंग क्रॉप्स हैं यूनाइटेड स्टेट के। अब है ए फार्म इन इंडिया। ये अभी हमने पहले पढ़ा कि कैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अब है फार्म्स इन इंडिया, भारत में कैसे फार्म्स। इट इज अ फार्म फॉर द रूरल बेल्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट। This area had faced a prolonged drought. Its farmers were looking for state assent and subsidies. There was much scope for replenishment of the both surface and underground supply to overcome the effect of drought. The small farm had, of course, a surface tank for rainwater harvesting, but there was hardly any water on examination of the tank. It was observed that it was like a crude type of ditch in which water percolated to subsoil. जो भारत में जो है फार्म वो करना रूरल बेल्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट में है। ये एरिया जो है ये ज़्यादा सूखे को भी फेस करता है। यहाँ के जो फार्मर होते हैं वो स्टेट एसेंस यानी कि सरकारी सहायता और सब्सिडी को देखते रहते हैं। और यहाँ पर जो है सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाता है सूखे के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। जो फार्मर है वो रेन वाटर टेस्टिंग के लिए टैंक भी बनाते हैं, जिसका जब एग्जामिनेशन किया गया तो ये एक तरह का कच्ची खाई होती है जिसमें से जो है वाटर जो है वो चूता रहता है यानी धीरे धीरे निकलता रहता है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड इन द रिगार्ड।
उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन हुए हैं, जैसे नो सिंगल फॉर्म वाज मोर देन 1.5 हेक्टेयर इन एरिया, कोई भी सिंगल फॉर्म जो फार्म जो है वो 1.5 हेक्टेयर से अधिक नहीं है. वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, और जो क्रॉप्स की वैरायटी है वो एक छोटे से प्लॉट में ही बोई जाती है. द विलेज वी विजिटेड was just one but comparatively bigger in size among other villages in India. The story of over half of the population in the village being illiterate ran through this village as well. These farmers could be little concerned with environment protection and development. Their predicament did not allow them to concerned with health and nutrition. जब ये गांव में गए, जब हम गांव में गए तो वहां पर जो ये गांव था ये अदर विलेजों से थोड़ा बड़ा था जिनका इन्होंने विजिट किया है. इस तो कुल मिलाकर जो हाफ पॉपुलेशन थी इस विलेज की वो इलिटरेट यानी अनपढ़ थी, और विलेजों की अपेक्षा और विलेजों में भी की तरह फार्मर जो थे वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के और डेवलपमेंट के, और ये लोग जो थे वो अपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन पर भी, इनको अपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन की भी ज़्यादा चिंता नहीं थी. तो ये हमारे भारत के फॉर्म के बारे में था फार्म के. तो ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड, गुड बाय.